हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एसिड रेन। अमालीय वर्षा को आज हम कवर करेंगे। इससे पहले जो हमने कवर किया था वो एयर पोल्यूशन को हमने कवर किया था। ये टॉपिक आपका बेसिकली एयर पोल्यूशन से ही रिलेटेड है, वाटर पोल्यूशन को भी इसमें हम साथ में पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका अमलीय वर्षा यानी कि एसिड रेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका अमलीय वर्षा प्लस कुछ आपके जो पीवाईक्यूज हैं जो पिछले 2-3 दिन से हम करने की ट्राई कर रहे थे पर हो नहीं पाए थे। तो आज कुछ पीवाईक्यूज हैं उनको भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो एक हमारा टॉपिक आज रहने वाला है वो बेसिकली जो मेन एयर पोल्यूटेंट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार आप सब लोग इस सेशन को शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सबके साथ में एक बार शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करो, आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां से आपको डेली क्विजेस, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब आपको मिलता है। साथ में दोस्तों हमने वेस्ट बंगाल सेट की जो टेस्ट सीरीज है उसको भी लॉन्च किया है। तो वेस्ट बंगाल सेट की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट वेस्ट बंगाल सेट का एग्जाम देने वाले हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट एटम बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की आपकी तैयारी करवाई जा रही है, तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको पेपर 2 पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो आप मेरे बैचेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री फॉर द नेट, जेआरएफ, सेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंस, इन सब के लिए आपको करवाया जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं एसिड रेन की कहानी। देखो 2-3 चीजें हैं जो हमें पढ़ना है एसिड रेन में। एक तो देखो हमें पढ़ना है कि एसिड रेन क्या है। पहला सवाल तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके प्रभाव क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि इंपैक्ट क्या होता है। तो एसिड रेन क्या है, क्यों बनता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, प्लस इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये आज का हमारा मेन मोटिव है, इसको हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड रेन की। तो एसिड रेन की मैं बात करूं, देखो एक तो होती है रेन। अब रेन जो होती है वो एसिडिक कब होती है, अमलीय कब होती है? तो दोस्तों जब हम बात करते हैं कि कोई भी रेन हो, सामान्य जो वर्षा होती है उसका जल हमेशा थोड़ा सा अमलीय होता है, क्योंकि वातावरण में मौजूद CO2 इसमें घुलकर कार्बनिक एसिड बनाती है। कोई भी रेन हो वो थोड़ी सी तो आपकी क्या रहेगी, एसिडिक रहेगी। लेकिन उसको एसिड रेन कब बोलते हैं, हम अमलीय वर्षा कब बोलते हैं, जब वर्षा का जो पीएच है, पीएच वैल्यू है, वो आपकी 5.6 से कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन। किसी भी वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है उसे हम अमलीय वर्षा के रूप में परिभाषित करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो आपसे कोई पूछे कि एसिड रेन का मतलब क्या है सर, तो एसिड रेन का मतलब ये है कोई भी रेन उसका पीएच वैल्यू 5 से कम है तो वो क्या हो गया, आपका अमलीय हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, आपका अमलीय हो गया यानी कि एसिडिक हो गया आपका, तो एसिडिक रेन बोलते हैं उसको। तो बस सिंपल सी एक चीज है कि कोई भी वर्षा हो उसका पीएच की वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं गाइस एसिड रेन, पहली चीज। ठीक है, 5.6 से कम पीएच जो होगा वो आपकी क्या होती है, एसिड रेन होती है। सवाल आता है कि ये एसिड रेन बनती कैसे है। दोस्तों एसिड रेन बेसिकली ये देखिए दो चीजें होती हैं आपकी, एक तो आपका कार्बनिक एसिड है ना, और एक आपका
एक तो सॉरी, जस्ट कार्बनिक एसिड बनता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, नोट कार्बनिक एसिड। तो एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जब पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं तो आपकी क्या बनती है, एसिड रेन बनती है। अब कैसे बनेगी एसिड रेन, बात करते हैं दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब हवा में रिलीज होती हैं, अब हवा में कैसे रिलीज होंगी, जब कोयला जलाओगे आप, है ना, लकड़ियां जलाओगे, फ्यूल जलाओगे, तो होता क्या है आपका कि ये जो कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये पानी के साथ जब मिलती है, पानी और ऑक्सीजन के साथ में जब मिलती है, तो क्या बनता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और आपका नाइट्रिक बनता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन के नीचे वर्षा के रूप में हमारे पास में आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एसिड रेन। ठीक है, अम्लीय वर्षा किसको बोलते हैं दोस्तों, ये बेसिकली अम्लीय वर्षा जो है एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, एक केमिकल रिएक्शन है। अब ये केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हवा में मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं आपका, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं आपका, और आपका क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड। अब वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है और जो नाइट्रिक एसिड है, वो वर्षा के रूप में जब नीचे आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। बेसिकली एक डायग्राम है, इसको आप समझना। ये देखो आपकी फैक्ट्रीज है, ठीक है, ये आपकी कार है फॉर एग्जाम्पल, यहां पे, या आपने कोई ईंधन जलाया, इससे क्या निकलेगा, SO2 निकलेगा आपका, और आपका NO2 निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये क्या करेंगे, SO2 और NO2 ये हवा में मिलेंगे और पानी के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, एक HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। H2SO4 को क्या बोलूंगा मैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोलता हूं, और इसको हम बोलते हैं दोस्तों नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड पानी के रूप में जब नीचे आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एसिडिक रेन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा, उसको मैं बोलूंगा एसिडिक रेन या अम्लीय वर्षा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी। ठीक है, जिसको भी नहीं क्लियर है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कि हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दोबारा से बताता हूं, देखो सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा आपका, नाइट्रिक एसिड। और ये हम वर्षा के रूप में जब नीचे आते हैं दोनों, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, हाँ, उसको एसिड रेन। अब सवाल ये आता है कि भाई इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अब ये जो एसिड रेन जो नीचे आ रही है आपकी, जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा जो है उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा पर्यावरण पे, इस लैंड पे क्या प्रभाव होगा, इस झील पे क्या प्रभाव होगा आपका, ठीक है, इस पेड़ पे क्या प्रभाव होगा, इस ट्री पे क्या प्रभाव होगा, सब पे इफेक्ट तो पड़ेगा, हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्डिंग्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये सारे की सारी चीजें हैं जो उसके प्रभाव में आएंगी। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों कि इसका प्रभाव क्या होगा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का प्रभाव। तो देखो अम्लीय जो वर्षा है, ये आपका सरफेस वाटर और एक्वेटिक एनिमल दोनों को ही क्या करता है, इफेक्ट करेगा दोस्तों, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो जैव विविधता है ना, जैव विविधता कम हो जाएगी, है ना, और हमारा जो जल पारिस्थितिक तंत्र है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, जैसे आप सोचो कि एसिड आपका इन मछलियों में गया आपका, तो ये मछलियां मर जाएंगी आपकी, ठीक है, इनकी डेथ होगी, हमारा जो वाटर इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। यहां तक कि दोस्तों हम बात करें तो इसके और भी प्रभाव होते हैं दोस्तों, देखिए प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना, मिट्टी के विषाक्त के कारण पौधों की वृद्धि का सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके जो जमीन है वो आपकी क्या हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगी, ठीक है, जो मिट्टी में जो न्यूट्रेंट है वो खत्म हो जाएंगे आपके, है ना, लीव्स जो है, हमारी जो पत्तियां होती हैं, जैसे ये पत्तियां जो होती हैं, है ना, लीव्स,
जो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं आपकी, है ना, तो ये क्या हो जाएंगी, ये आपकी ब्लैक हो जाएंगी, काली हो जाएंगी आपकी ये। और प्लांट का जो क्लोरोफिल है, यानी कि ये ग्रीन होती है, हरे रंग की होती है ना, हरी पत्ती होती है आपकी, तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी ब्लैक होने लग जाएंगी। तो एक ये प्रभाव पड़ेगा, पौधों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है एसिड रेन का। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि जो सोयल है ना, वो जो पीएच एसिडिक हो जाएगी आपकी, सोयल जो है, मिट्टी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। ये जो मिट्टी है ये क्या हो जाएगी, आपकी अम्लीय हो जाएगी। और इससे क्या है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मिट्टी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो भी येल्लो हो जाती हैं इससे। जैसे मैं बात करूं ताजमहल की, ताजमहल आपने देखा है, सिंबल ऑफ लव, तो ताजमहल का जो येल्लो कलर है, येल्लो जो कलर है वो क्यों हो रहा है, वो ड्यू टू एसिडिक रेन ही हो रहा है, ड्यू टू एसिड रेन हो रहा है आपका। ताजमहल का जो पीला रंग हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, जो येलो कलर है वो किस कारण हो रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि भाई ताजमहल का जो येलो कलर है वो किसके कारण हो रहा है, वो आपका जो अम्लीय वर्षा है, जो एसिड रेन है, उसके कारण होता है। तो ताजमहल को इफेक्ट कर रहा है, तो बिल्डिंग्स को भी ये क्या करता है, इफेक्ट करती है एसिड रेन। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई एसिड रेन के कारण आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, मेटल की जो मूर्तियां हैं, ना, इन सब पे भी आपका इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज दोस्तों, एसिड रेन्स आपकी फूड चेन में भी एंटर करती है, है ना, तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला है उस पे भी ये प्रभाव डालती है। तो हैवी मेटल्स जो होते हैं, मर्करी, कैडमियम, है ना, ये भी हमारे प्लांट्स के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिसके द्वारा आपकी फूड चेन में भी ये एंटर करती है। तो बहुत सारे इसके दुष्प्रभाव हैं वो देखे जाते हैं, बहुत सारे बैड इंपैक्ट्स हैं जो एसिड रेन के हम देखने को मिलते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई इसकी रोकथाम कैसे की जाए, प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द एसिड रेन, भाई इसको रोकेगो कैसे, आप कैसे रोक सकते हैं। देखो, एक तो प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग हमें करना है, ठीक है, यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हमें यूज करने हैं कि भाई पोल्यूशन कम से कम करें, क्योंकि पोल्यूशन के कारण ही आपका एसिड रेन होता है, प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण आपका एसिड रेन होता है। सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वायु प्रदूषण को क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। दूसरा, जो नेचुरल गैस है और जो कोल है उसकी जगह हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है वो आपको प्रयोग कर में लाने पड़ेंगे, है ना, क्लीन कंबशन टेक्नोलॉजीज है वो आपको यूज करनी पड़ेंगी, जैसे BS6 आपके जो इंजन है, BS6 इंजन है, उनको हमें यूज करना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है, इसको जरूर याद रखना दोस्तों, है ना। क्लीन प्रोडक्ट जो आपका प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें लाने पड़ेंगे, है ना। उसके अलावा दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो कंबशन है, उनका जो रिलीज है, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपकी एसिड रेन बनती है। ठीक है, तो ये क्या है, अम्लीय वर्षा के निवारण के क्या है, उपाय है। ठीक है, ये क्या है आपके, अम्लीय वर्षा के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी अम्लीय वर्षा। अब एक बार मैं आपको क्विक रिकैप करवा देता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, है ना। अगर किसी को अभी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है, फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिवाइज आपको करवा दूं। अभी एसिड रेन हमने पढ़ा। एसिड रेन क्या होती है कि जिसका पीएच 5.6 से कम हो, जिसका पीएच 5.6 से कम हो तो वो आपका एसिड रेन हो जाती है। एसिड रेन होता क्यों है दोस्तों, ये हमने बात किया कि भाई जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, यानी कि हम बात कर सकते हैं सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनने के लिए पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से हमारा सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनता है, वही अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे आता है, यह हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको ये रिएक्शन भी बता दी थी कि कैसे आपका बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नमी के साथ में और अन्य रसायन के साथ में क्या बनता है आपका,
अमलीय वर्षा बनता है। तो HNO3 और H2SO4 ये क्या है, आपकी अमलीय वर्षा ही है बेसिकली, ये आपका क्या है, एसिड रेन ही है। HNO3 और H2SO4 ये इनका आपको याद भी रखना है गाइस, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो सकता है कि H2SO4 क्या ये एसिड रेन है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता सल्फ्यूरिक एसिड का तो कैसे काम चलेगा, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, इतनी केमिस्ट्री तो आपको आनी चाहिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो आपको कुछ फॉर्मूलाज है वो याद होने चाहिए, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, तो ये याद रखना है। हार्मफुल इफेक्ट्स हमने देख लिए कि जैव विविधता पर भी फर्क पड़ता है ना, ह्यूमंस पे भी फर्क पड़ेगा, बिल्डिंग्स पे भी फर्क पड़ेगा, मिट्टी पर भी फर्क पड़ेगा, और जो हमारे जल संसाधन है उन पे भी फर्क पड़ेगा। तो हर चीज पे जो एसिड रेन है वो आपका क्या करती है, इंपैक्ट डालती है। अब ये है आपका एसिड रेन, तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, ये आपका नीचे आएंगे एसिड रेन के रूप में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अमलीय वर्षा, ये है आपका एसिड रेन। ये क्या है, आपकी एसिड रेन है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, कुछ सवालों को हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस, ठीक है। कुछ टॉप क्वेश्चन है जो आपके किससे रिलेटेड है, पोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। पोल्यूशन के टॉप आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखो थोड़ा सा शेयर करो यार, बहुत कम लोग हैं जो आजकल लाइव क्लास ले रहे हैं, एक बार सब लोग जल्दी से शेयर करो, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप लाइव करोगे तभी आपको ज्यादा फायदा होगा। चलो कंटेंट तो आप पढ़ लो बाद में, लेकिन क्वेश्चन आपको लाइव करने चाहिए हमेशा, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट वन है और आपका स्टेटमेंट टू है। स्टेटमेंट वन क्या दिया गया है, द लोकलिटीज अलोंग द मेजर रिवर्स ऑफ कंट्री आर फर्स्ट अफेक्टेड बाय द अर्सेनिक कंटामिनेशन, ठीक है, ये PYQ है आपका। द मेजर कॉज ऑफ अर्सेनिक कंटामिनेशन इज द यूज ऑफ ग्राउंड वाटर अबव द परमिसेबल लेवल। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सर कंटिन्यू क्लास होती है तो रेस में चले जाते हैं कुछ लोग, ऐसा कैसे, शादी फंक्शन में बिजी हूं या दूसरों की शादी करवाने के चक्कर में खुद की नहीं होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पढ़ लो, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जितना परिश्रम आप शांति के समय करते हो दोस्तों, उतना ही कम खून है वो आपका युद्ध के समय बहता है, यानी कि इस टाइम जो आपकी मेहनत की होगी वो आपको एग्जाम से पहले बहुत काम आने वाली है, आप बहुत सारे लोगों से आगे चले जाओगे, ठीक है। तो जितना हो सके अभी आप अपने आप को पेन दे लो, बाद में आप बहुत आराम करोगे, है ना। अभी जितना हो सके सिलेबस को कवर कर लो, और ये टॉपिक मैं बहुत डीप में आपको करवा रहा हूँ, तो इसको लाइव क्लास के दौरान ही आपको अटेंड करना चाहिए, तब जाके आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपका जो सही आंसर है वो है आपका वन, ठीक है, वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। देश की प्रमुख नदियों के किनारे के इलाके जो आर्सेनिक पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा प्रभावित है, और आर्सेनिक पॉल्यूशन का सबसे मेन कारण ये है दोस्तों कि हम ग्राउंड वाटर की जो परमिशेबल लिमिट है उससे ज्यादा उसको दोहन कर रहे हैं, यानी अत्यधिक दोहन करने के लिए आप अत्यधिक दोहन करने से आपका क्या होता है कि जो आर्सेनिक है वो ऊपर आ जाता है। आर्सेनिक बेसिकली है क्या, इसको एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा, ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। आर्सेनिक क्या है, एक नेचुरल कॉम्पोनेंट है पृथ्वी का, है ना, जो कि हमारा वायु को, वाटर को, इन सबको क्या करता है, पोल्यूट करता है। तो बेसिकली क्या है आर्सेनिक, क्या है आर्सेनिक, क्या है आपका एक वाटर पोल्यूटेंट है। आर्सेनिक क्या है, जल प्रदूषण करता है ये बेसिकली,
ठीक है, और निकलता कहां से है? ये पृथ्वी से ही निकलता है, पृथ्वी से निकलता है ये, यानी कि अर्थ से आपका निकलता है बेसिकली। क्लियर एवरीवन? इसका जो फॉर्मूला है वो भी आप याद रखिए यार, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। यस, अर्सेनिक जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। अब मुझे आप कौन बताएगा कि अर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है, अर्सेनिक से कौन सी डिजीज होती है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ। अर्सेनिक है उससे डिजीज कौन सी होगी आपकी, कोई भी बताओ। अर्सेनिक से जो डिजीज होती है वो होती है आपकी ब्लैक फुट डिजीज, ठीक है, ब्लैक फुट डिजीज। बीमारी कौन सी होगी आपकी, ब्लैक फुट डिजीज होगी, है ना, ब्लैक फुट डिजीज होगी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारा जैसे वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है वहां पे इसका पोल्यूशन सबसे ज्यादा है, या फिर हम मैं बोल सकता हूं कि ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वो इससे सबसे ज्यादा क्या है, प्रभावित है, वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, ठीक है, ब्लैक फुट डिजीज से, यह जो अर्सेनिक का जो पोल्यूशन है उससे। तो ये चीज आपको याद रखना है। सर रेड मार्कर प्रॉपर विजिबल नहीं है, अच्छा आपको विजिबल नहीं हो रहा है, तो कौन सा यूज करें बताओ, ये वाला यूज करें, ये वाला दिख रहा है अभी मुझे बताना, ये वाला दिख रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द ग्रेटर यूवी रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। इंक्रीज स्किन कैंसर, रिड्यूस इम्यून सिस्टम, इंक्रीज लीवर कैंसर, डैमेज टू आईज। इसका सही आंसर क्या होगा? पिंक, पिंक नहीं यूज होगा, है ना, पिंक है ही नहीं, कलर ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं अपने पास पिंक का। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? Which of the following is not one of the prime health risk associated with greater UV radiation through the atmospheric due to the depletion of stratospheric ozone? Increase skin cancer, reduce immune system, increase liver cancer, damage to eyes. तो इसका जो सर आर्सेनिक से स्किन भी खराब होती है। हरी शंकर जी, पांव जो है वो स्किन का ही पार्ट है, हमारे पांव खराब हो रहे हैं तो स्किन ही खराब हो रही है ना, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे। आंसर क्या है इसका? आंसर है आपका 3, ठीक है। पूछा क्या गया है इसमें? पूछा यह गया है कि इससे कौन सा नहीं होता है, नोट, ठीक है, नहीं है। तो भाई स्किन कैंसर तो होता है, पता है हमें, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है, पता है, आंखों में भी इचिंग होती है, पता है, लेकिन लीवर का कैंसर नहीं होगा भाई, ये नहीं होता है इससे। लीवर कैंसर है वो नहीं होता है, इससे लीवर कैंसर है वो आपका नहीं होगा। अब एक चीज समझिए थोड़ी सी, हम बात करें दोस्तों ओजोन की, ठीक है, ओजोन की, तो मैं काफी बार बता चुका हूं, दोबारा से आपको बता देता हूं। ओजोन की जब मैं बात करता हूं O3, तो ओजोन आपका लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर में भी हमने बात की थी, ठीक है, आपकी एक तो गुड ओजोन है, गुड ओजोन, एक आपकी बैड ओजोन है। अब भाई अच्छे लोग तो कभी नुकसान नहीं पहुंचाते आपको, तो ये कहां पे मिलेंगे आपको? ये एटमॉस्फेयर में। अब ऐसा बोलते हैं ना कि अच्छे लोग तो जमीन पर है ही नहीं, अच्छे लोग तो बचे ही नहीं है, वैसा ही कुछ है। तो जो अच्छी ओजोन है वो आपको कहां पे मिलेगी? वायुमंडल में मिलेगी, और वायुमंडल में भी कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। एक बैड ओजोन होती है जो होती है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। सवाल ये पूछा गया था कि ये गुड ओजोन जो है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, ये हमें किस किस से बचाती है?
किस किस से बचाएगी? तो भाई लीवर कैंसर का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? लीवर कैंसर का ओजोन से कोई लेना देना नहीं है, यह सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ओजोन, तो यह चीज आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? नाउ ठीक है, अब देखो एक चीज और बताता हूं, ये जो गुड ओजोन है ये हमें यूवी रेडिएशन से भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जो पैरावैंगनी किरणें होती हैं उससे भी हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, गुड ओजोन जो होती है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बताओ, स्टेटमेंट वन है एंड स्टेटमेंट टू है, कथन वन है और आपका कथन टू है, आंसर दीजिए इसका, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? एवरीवन, सॉलिड वेस्ट इज द अनवांटेड और यूजलेस सॉलिड मटेरियल जनरेटेड फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज, पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास बोटल्स, जार्स, टिन केन्स, एल्यूमिनियम केन्स आर सम ऑफ द रिसाइक्लेबल सॉलिड वेस्ट। बताओ उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही होगा, करेक्ट आंसर आपको बताना है। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। तो बताओ सब लोग, इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर होगा वो है गाइज आपका ए, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों आपके क्या है, सही है यहां पे, ठीक है? दोनों क्या है, सही है, बोथ आर करेक्ट। अब ये जो आपका टॉपिक है ये बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है, सॉलिड वेस्ट से आता है आपका, पोल्यूशन का ही टॉपिक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है आपको, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? तो स्टेटमेंट वन भी सही है आपका और आपका स्टेटमेंट टू भी सही है, ठीक है? तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट का मतलब ये होता है कि हम यूजलेस जो मटेरियल होते हैं आपके, जिनको हम यूज करके फेंक देते हैं, है ना? जैसे आपने ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक की या बियर पिया, या जो भी आपके ग्लासेस वगैरह है, बोटल वगैरह है, उनको आप फेंक देते हो, तो जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो वेस्ट जनरेट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको सॉलिड वेस्ट बोलते हैं दोस्तों। अनवांटेड और यूजलेस सॉलिड मटेरियल है जो कि हमारी मानव की क्रियाओं से होता है, उसको हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, ठीक है? और ये पेपर है, कार्डबोर्ड है, ग्लास बोटल्स, जार, ये सब के सब इसमें क्या, किसमें आते हैं आपके, सॉलिड वेस्ट के ही पार्ट है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, With which of the following agenda 21 of Rio Summit 1992 is related? Rio Summit 1992 agenda 21 किससे संबंधित है? Sustainable development, combating the consequences of population explosion, mitigation norms of greenhouse gases, technology transfer mechanism to develop countries for clean energy production. आपको बताना है कि इसका correct answer क्या होगा, इसका सही answer क्या है आपका? बताओ। Everyone answer this question. इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सब लोग आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर क्या है? Everyone. So guys, इसका जो सही आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आपको अगर पता हो तो ये सवाल इस बार पूछा भी गया था, एजेंडा 21 से ये सवाल पूछे भी गए थे आपके, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब कुछ लोग एसडीजी लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना है, अभी देखो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा आपका। दो चीजें हैं गाइस, एक तो है एजेंडा 21, एक है एजेंडा 2030। दो एजेंडा है आपके, एजेंडा 21 है वो आपका किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल
डेवलपमेंट, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सतत विकास से रिलेटेड है आपका। ये जो एजेंडा 21 है ये आपका एसडीजी गोल से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, ठीक है, याद रख लोगे एजेंडा 21 और एजेंडा 2030, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान ही रखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका अर्थ समिट 1992 में होता है, जिसको हम रियो समिट भी बोलते हैं, रियो समिट समिट भी बोलते हैं, और एजेंडा 21 इसका एक पार्ट होता है, जहां से आपके सतत विकास की अवधारणा है वो आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट फर्स्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? निम्नलिखित पर्यावरणविदों में से किसने सबसे पहले जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा दी? गिलार्ड नेल्सन, नॉर्मन मायर्स, जॉन मोयर, जूलिया बटरफ्लाई हिल। तितली हिल नहीं है ये, बटरफ्लाई है दोस्तों, ये नाम है इसका। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो किसके द्वारा दी गई थी, इसका आंसर बताओ मुझे आप जल्दी से। एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन, सब लोग आंसर कीजिए। अच्छा ये बताओ कमेंट करके कि कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है भारत में। सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं भारत में, ठीक है, और कौन कौन से हैं। ये दो आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ठीक है, और कहां कहां पे है। तो गाइस हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका दिया गया है बेसिकली, ठीक है, नॉर्मन मायर्स के द्वारा ये कॉन्सेप्ट है जो दिया गया है। अब बात आती है कि दोस्तों ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि सर ये होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सी खेत की मूली है, मतलब क्या है ये, पंगा क्या है। तो देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे सबसे पहले तो बहुत ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता देखने को मिले, पहली चीज तो, ठीक है। दूसरी चीज है ना, ऐसा एरिया जहां पे 25 बायोलॉजिकली रिच एरियाज हैं, ऐसे टोटल बात करूं तो ऐसे 25 क्षेत्र हैं लगभग जहां पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, और उस क्षेत्र की 70% बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, 70% जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी जैव विविधता है, लेकिन वहां की 70% बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो चुकी है, ओरिजिनल बायोडाइवर्सिटी। तो उस क्षेत्र को या उस एरिया को मैं बोलता हूँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा सबसे पहले है वो दिया गया था। ये है आपके चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। पहला कौन सा है आपका, हिमालयन रीजन, हिमालय वाला क्षेत्र है आपका सबसे पहले तो। दूसरा है आपका, आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तीसरा जो है दोस्तों इंडो बर्मा रीजन है, इंडो बर्मा रीजन, और चौथा है आपका सुंडालैंड। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये है कहां पे, हिमालय को तो सब लोग जानते हो दोस्तों, ठीक है, ठीक है, और हिमालय की भी बात करूं तो ये ईस्टर्न हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद में ये है आपका इंडो बर्मा वाला एरिया, ये देखिए ये भारत का पूरा मैप है, और ये आपका इंडो बर्मा, ये वेस्टर्न घाट इंडिया का मैप है, ये वेस्टर्न घाट है आपका, ठीक है, और एक सुंडालैंड है आपका। तो ये चार एरिया है आपके जो कि क्या है, भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कितनी बात समझ में आई।
सो गाइस ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ आज नॉलेज गेन आपने किया होगा। तो मैं समराइज करता हूँ, आज मैंने आपको पढ़ाया, आपको एसिड रेन पढ़ाई, आपको एसिड रेन का कॉन्सेप्ट हमने किया और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमने आज किए हैं। तो आज आपका होमवर्क है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। क्लास के बाद आपको मुझे कमेंट करके बताना है सबसे पहले तो कि एसिड रेन का पीएच कितना होता है, एसिड रेन का पीएच वैल्यू आपको बतानी है। दूसरी चीज आपको यह बताना है दोस्तों कि वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, हॉटस्पॉट कितने हैं। ये दो सवाल हैं जो आपको कमेंट करके बताने हैं, आफ्टर द क्लास बताना है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं कितने लोग थोड़ी मेहनत करते हैं, क्लास को ध्यान से सुनते हैं और रेगुलर आते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जेआरएफ अड्डा ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द नेट जेआरएफ प्रिपरेशन। इसके अलावा दोस्तों एटम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कंप्लीट पेपर वन एंड पेपर टू आपको पढ़ाया जा रहा है। स्पेशली मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं पेपर टू में, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है, पीजीटी, टीजीटी, नेट, सेट, सबकी तैयारी के लिए आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच सब लोग, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, और आज के लिए है इतना ही, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।